बताइएगा अगर डिस्टॉर्शन है। माय वॉइस इज क्लियर? ओके, should we start the class now? I hope everyone is there. Okay, the topic we would be discussing in the course of medical physics is clinical radiation generators. Acha ji, the last time we were in the class we had covered the chapter of x-ray जनरेशन, ठीक है। उसमें हमने देखा था बहुत डिटेल में कि एक्सरे जनरेट किस तरह होते हैं। हमने पूरी एक्सरे ट्यूब को डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड इट्स वोल्टेजेस, और अगर आपको याद हो बड़े क्लियरली दो टाइप के वोल्टेजेस या पावर सोर्सेज हम यूज़ कर रहे थे, एक हाई लेवल था एक लो लेवल था। और उसके बाद हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया था कैथोड को, एनोड को, टारगेट को, आपके फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था सोर्सेज कहाँ से हम उनको पावर देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ब्रेमस्ट्रालंग या फिर जो एक्सरे जनरेट करवा रहे थे उनको भी बड़ी डिटेल में पढ़ा था। और हम लोगों ने बात की थी दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्टली पेपर्स में आता है, ठीक है। अब उसी को आगे लेते हुए चलते हैं। अब हम लोगों ने बात की थी वहाँ पावर की, और वहाँ भी यही बात हुई थी कि पावर जो हम दे रहे हैं, द इनपुट वी आर गिविंग, जो पावर हम दे रहे हैं किनको। अब पावर वही बात, हाई पावर और लो पावर, तो ठीक है वो फिलामेंट को दे रहे थे। जो हाई पावर दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स जो कि बम्बार्ड करेंगे आपके टारगेट पे और वहाँ से रेडिएशन एमिट होंगी। वो पावर डिसाइड कर रही है कि मुझे रेडिएशंस किस एनर्जी की मिलेंगी। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा डिस्कस किया, जो कि मैं चलें दोबारा से एक दफ़ा थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। रेडियो वेव्स थे हमारे पास, ठीक है, माइक्रोवेव्स भी आते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास विजिबल का लेट्स अज्यूम रीजन आ जाता है। उसके अलावा से हेलो रोली इन द मेडिकल क्लास, ठीक है, विजिबल का रीजन आ जाता है। और विजिबल में सारे के सारे कलर्स, अच्छा विजिबल से पहले इंफ्रारेड भी आता है, और यहाँ फिर अल्ट्रावायलेट आ जाता है क्योंकि इस साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम विजिबल के वायलेट कलर होता है। अल्ट्रावायलेट, दिस इज सेवन सेमेस्टर, राइट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट एंड देन एक्सरेज एंड देन गामा रेज। और वो भी बात हो चुकी है, गामा रेज आर मोस्टली न्यूक्लियर फिनोमेना, बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से हमें गामा रेज मिलें, ठीक है। हम लोगों ने एक्सरे जनरेटर की बात किया। अच्छा जी, दिस इन दिस डायरेक्शन हमारी एनर्जी इंक्रीज कर रही थी। एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो वेव लेंथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊँ, ठीक। तो हम लोगों ने बात की थी यहाँ एक्सरे की, ये स्पेसिफिक वही बात है, ये नहीं है कि अगर मैं एक क्या कहते हैं मटेरियल दे रहे हैं वहाँ के करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात की थी, मगर देर इज़ अ रेंज इन विच एक्सरेज फॉल, लाजमी नहीं है एक पॉइंट, यानी कि लेट्स अज्यूम 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -15 मीटर्स की सिर्फ एक्सरेज कराएंगी वेव्स। एक पूरा रीजन होता है इन सब का, ठीक है, और वो रीजन आपकी किताब में बहुत क्लियरली गिवन है, वो रेंजेस गिवन है। अब हम लोगों ने एक्सरे जनरेटर की तो आम बात कर ली, मगर वही बात कि मैं कह रही हूँ कि एक पूरा रीजन है, पूरा
एनर्जी का रीजन कह लें या फ्रीक्वेंसी का रीजन कह लें या वेवलेंथ का रीजन है, जिनमें जो रेडिएशंस गिरेंगी उस रेंज में उनको हम एक्सरेज कहेंगे, ठीक है। अब वो हाई एनर्जी एक्सरेज भी हो सकती हैं और लो एनर्जी एक्सरेज भी हो सकती हैं, अगर इस साइड पे वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उन्हीं के टर्म्स में, उन्हीं पे डिपेंड करते हुए कि एनर्जी क्या है उनकी, और एनर्जी वुड बी एसोसिएटेड विद पेनिट्रेटिंग पावर, ये भी हम लोगों ने बात की हुई है, उस सारों पे डिपेंड करते हुए आपके चैप्टर ने, इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट मशीन्स पढ़ेंगे विच आर यूज फॉर डिफरेंट थेरेपीज। तो इसीलिए क्लिनिकल रेडिएशन जनरेटर्स हमने पढ़ने, मगर जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल वही है जो एक्सरे प्रोडक्शन में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। इसमें सिर्फ वो मशीन्स को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड पेनिट्रेशन और कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बिना पे, ठीक है। और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपके कोर्स में है, दैट इज़ ग्रन्स रे थेरेपी, ठीक है। 1950 तक, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर 1950 तक जो एक्सरेज के हम इस्तेमाल कर रहे थे, एक्सरे ट्यूब्स, उनके वोल्टेजेस 300 किलो वोल्ट तक जा रहे थे, ठीक है। किस दर तक? 300 किलो वोल्ट तक। मगर एज टाइम पास 1960s में हमारे पास हाई एनर्जी मशीन आ गई, जिसका मतलब है सॉरी एक्सक्यूज मी जिसका मतलब है कि अब ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिनमें हम लोग हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें जो मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी चेंज हो गया, कोबाल्ट 60 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मगर ग्रेन्स रे थेरेपी, ठीक है, जो पहला जनरेटर है वो कौन सा है? ग्रेन्स रे थेरेपी है, ठीक है। फॉर्म क्या है? ये भी ग्रेन्स रे हम लोग कह रहे हैं, तो ग्रेन्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तो कह रही हूं कि ये रे, मैं कह रही हूं कि दिस इज एक्सरेज ही है, जितने भी यहाँ इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ने हैं सारे जनरेटर एक्सरेज ही हैं। तो फिर इनका नाम ग्रेन्स रेज क्यों है? क्योंकि जब ये डिस्कवर हुई, दीज वर डिस्कवर्ड इन 1923, ठीक है, 1923 में डिस्कवर की, डिस्कवर जिस साइंटिस्ट ने की वो यूज़ काम कर रहा था कैथोड ट्यूब पे ही, और कैथोड ट्यूब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैथोड वैक्यूम ट्यूब पे वो काम कर रहा था, और उसमें जो उसने विंडो लगाई हुई थी जहाँ से वो देख सकता था, वो लिथियम बोरेट ग्लास की थी, जो कि फिर मस क्या कहते हैं, जो उसने रेडिएशंस वहाँ से ऑब्जर्व की, दे हैड सिमिलर इफेक्ट जो के अल्ट्रा वायलेट का होता है, सिमिलर इफेक्ट एज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट किस तरफ फ्लाई कर रही है? एक्सरेस के लेफ्ट की तरफ, ठीक है। मगर उसे तो लगा कि ये इफेक्ट वही है जो के अल्ट्रा वायलेट का, मगर जब मेजरमेंट्स की गई तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस नहीं थी, ये रेडिएशंस एक्सरेज और अल्ट्रा वायलेट के दरमियान में थी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट और एक्सरेज के दरमियान में थी, ठीक है। तो इनको नाम दिया गया ग्रेन्स का, ग्रेन्स नाम, ग्रेन्स जर्मन में कहते हैं, ग्रेन्स का मतलब है इन जर्मन, जर्मन वर्ड है, ठीक है, बॉर्डर। तो ये अल्ट्रा वायलेट के भी बॉर्डर पे लाए कर रहे हैं और ये एक्सरे की भी बॉर्डर पे लाए कर रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम उसने क्या रखा? ग्रेन्स रे, ठीक हो गया। अब इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पे आ गए, हम लोगों ने नाम देख लिया कि इसका नाम ग्रेन्स रे क्यों है, सिमिलर टू अल्ट्रा वायलेट है, उसके बिल्कुल एच पे आता है, तो इसका नाम उन्होंने ग्रेन्स रे रखा। अच्छा, यूजली ये जो जनरेट होती हैं उनकी 2 mA करंट पे जनरेट हो जाती हैं, और बिलो 20 kV, बिलो 20 kV जो मशीन है वो हमें उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में जो करंट है वो 2 mA इस्तेमाल होता है इसमें, फिलामेंट करंट या ट्यूब करंट आप बात कर लें, ठीक है। और वही चीज़, लो एनर्जी, ये एक्सरेज नहीं है कंप्लीट, एक्सरेज तो काफ़ी हाई एनर्जी में चले जाते हैं, तो ये लो एनर्जी एक्सरेज या इन्हें कहा जा सकता है, या फिर इनको दूसरा अल्ट्रा सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट रेडिएशन कहते हैं, ये सारे इनके नाम डिफरेंट नेम से
सॉफ्ट रेडिएशन कहा जा सकता है या फिर इनको अल्ट्रा सॉफ्ट रेडिएशन कहा जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। साथ में इसका एक और नाम बकी रेडिएशंस भी है। ठीक, अच्छा अब मैं कह रही हूँ ये एक्सरेज नहीं है, ये लो रेडिएशंस हैं, लो एनर्जी रेडिएशंस हैं। 20 किलो वोट पे ये हम जनरेट करवा रहे हैं तो इनकी पेनिट्रेशन पावर कम है। लो पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। कितनी कम है कि ये एयर में ही यूजली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यूजली एब्जॉर्ब्ड इन इन एयर। इसीलिए जिस ट्रीटमेंट में हम ये लोग इस्तेमाल करते हैं जी, जो करंट है ये 2 mA, हम लोगों ने बात की है लास्ट चैप्टर में भी अगर डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ट्यूब करंट होता है जो कि ट्यूब को ऑपरेट करता है, और एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने के लिए। तो जो एक्सेलरेट करा रहे हैं वो 20 किलो वोल्ट पे कर रहे हैं, मगर जो ट्यूब करंट हम दे रहे हैं वो 2 mA है। ठीक है, तो दोनों लिहाज से ये लो एनर्जी हैं, तो ये यूजली एयर में ही अब्जॉर्ब होते थे। तो जिस भी थेरेपी के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जो ट्रीटमेंट एरिया है और मशीन का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रखा जाता है, यूजली इन 10 to 15 cm। ठीक है, क्योंकि वरना तो ये सारे जहाँ भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने बॉडी का करना है वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है इन्होंने, और इन्होंने पहले ही एब्जॉर्ब हो जाना है। तो हम जो ट्रीटमेंट एरिया है, एरिया वो 10 to 15 cm अवे, इससे ज़्यादा होगा तो वो तो यहाँ तक अफेक्ट ही नहीं आएगा, अवे फ्रॉम मशीन या अवे फ्रॉम जहाँ से भी ये जनरेट हो रही हैं। ठीक है जी, तो इतनी इनकी लो पेनिट्रेशन पावर है कि जो 90% अब भी ये यूजली इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं वो भी देख लेते हैं। ये यूजली इस्तेमाल होंगी स्किन डिजीज़ के लिए। ठीक है, ये इस्तेमाल होती हैं स्किन डिजीज़ के लिए, और 90% जो ये जनरेट हो रही हैं जहाँ भी जैसे हम जनरेट करवा रहे हैं 90% एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं इन फर्स्ट 5 mm ऑफ स्किन एरिया। ठीक है, 5 mm में ही 90% ऑफ द रेडिएशन जो जनरेट होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा देखना है तो 50% जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं इन फर्स्ट 1 mm ऑफ स्किन। इसका मतलब है लेट्स अज्यूम टू गिव इट इन नंबर्स में 100 रेज आ रही हैं तो 50 तो स्किन के पहले मिलीमीटर में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और 5 mm के अंदर अंदर 90% एब्जॉर्ब हो चुकी होंगी। इसलिए बात ये हो रही है कि ये ज़्यादा इनकी पेनिट्रेशन पावर नहीं है, तो इसी वजह से जब हम जिस भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मशीन के बहुत करीब रखा जाता है इनटू 10 to 15। 10 to 15 इज़ द नॉर्मल स्केल, फुट्टा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो 10 to 15 cm का होता है, तो इतने करीब हम रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कि हम यूज़ टू रिड्यूस डेंड्रिटिक सेल्स एप्लीकेशंस में देख लीजिएगा, डिजीज़ कैसी कैसी इसमें इस्तेमाल होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, यानी कि जहां आपको थोड़ी जलन महसूस हो रही हो तो वहां आप अब तो ये ट्रीटमेंट बहुत कम दिए जाते हैं क्योंकि तब मेडिसिन इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, मगर अब भी कहीं कहीं ये ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, यूजली वो जलन कम करने, एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो काम डाउन स्किन को जहाँ जलन हो रही है वहाँ ये इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा इसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एपिडर्मिस द अपर लेयर ऑफ द स्किन, तो उसी की सारी डिजीज़ के लिए ये इस्तेमाल हो रही है। मशीन ये यूनिट इतना बड़ा नहीं होता,
इतना छोटा, बहुत छोटा यूनिट होता है। यूजली किसी ज़माने में हर स्किन ट्रीटमेंट क्लिनिक में ये मौजूद होता था, मगर विद टाइम जैसे जैसे हम लोगों के पास मशीन्स अच्छी आती गई, हम लोगों ने इनका इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिया। वही चीज़, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर कम है, बड़ा स्पेसिफिक सा डिस्टेंस रखना पड़ता है, और इसकी फोकस और उसका भी एक ख़ास डिस्टेंस है, तो इस वजह से इसकी कैलिब्रेशन थोड़ी मुश्किल होती है। कैलिब्रेशन का मतलब है टू सेट पावर एंड करंट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, ठीक है, कि हमें जिस रेंज की एक्सरेज चाहिए, क्योंकि स्किन का आ रहा है तो स्किन पे इतने एक्सरेज, हाई एनर्जी एक्सरेज हम नहीं दे सकते, क्योंकि दैट वुड डैमेज द स्किन। तो इस वजह से हम लोगों को इसकी कैलिब्रेशन थोड़ी सी इस मशीन की मुश्किल होती थी, तो अब ये बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा कुछ स्टडीज़ हैव शोड कि इसका इफेक्ट हैज़ कॉज्ड कैंसर, स्किन कैंसर, तो उस वजह से भी इसका इस्तेमाल कम किया गया। और वो भी अब ये नहीं कि एक दफ़ा इस्तेमाल किया होगा तो कैंसर वुड हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, या किसी ने ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया होगा तो ऐसे इश्यूज आए। तो इसीलिए बात हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में देखना है, व्हाट इज़ द राइट डोज, कि कितनी रेडिएशन की डोज भी किसी बॉडी को देनी चाहिए, वो सारा कुछ हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक। और मगर ये ट्रीटमेंट जो लेस डेंजरस कैंसर होते हैं ना, स्किन कैंसर, उसके लिए भी हम ये ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उन सेल्स को ख़त्म किया जा सकता है। मगर याद रखिएगा, दीज आर लो एनर्जी एक्सरेज कहा जा सकता है, या फिर ग्रंट्स अल्ट्रा वायलेट के ज़्यादा करीब हैं। तो अब एक असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपकी किताब में तो ये शायद से दो लाइंस में लिखा हुआ है, ग्रंट्स रे थेरेपी। आप लोगों ने एक नोट्स कह लें या फिर असाइनमेंट कह लें, आप लोगों ने ग्रंट्स रे थेरेपी या ग्रंस रे रेडिएशन पे बनानी है, जिसमें मुझे उसका इंट्रोडक्शन चाहिए, और उसके अलावा फिर मुझे सारा कुछ उसकी उसकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी पेनिट्रेशन पावर क्या है, और बाकी सारा फिर किस लिए इस्तेमाल किए जा सकती हैं, उसकी एप्लीकेशन जिसमें आ जाएगा कि लेट्स अज्यूम ये स्किन डिजीज़ेस किस किस किस्म की स्किन डिजीज़ेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मुझे कम अज़ कम ये एक पेज की असाइनमेंट चाहिए जिसमें ये सारा कुछ डिस्क्राइब हुआ, और टू मेक इट हेल्पफुल, अगर आप लोग वर्ड पे बना रहे हैं तो डू ऐड अ पिक्चर ऑफ दिस मशीन, और अगर उस किसी को उसकी मशीन के वर्किंग या कुछ समझ आती है तो वो भी ऐड करें। तो आज के लिए मैं ये छोटा सा टॉपिक ही कवर करूँगी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर, साथ साथ हम स्पीड भी ज़्यादा करते जाएंगे, और होपफुली हमारा कोर्स जल्द ही कवर हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस तो वो कमेंट्स में। अब ये याद रखिएगा, जितने भी जनरेटर्स पढ़ने हैं प्रिंसिपल इनका वही एक्सरे जनरेटर वाला ही है, उसी को माइंड में रखते हुए बस पावर और करंट डिफर कर रहा है, और दैट वुड डिफर द रेडिएशंस एमिटेड। क्लियर? इफ एनी क्वेश्चंस कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिए। अभी अगर कोई है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? क्लियर? एनी क्वेश्चंस तो कमेंट में डू गिव अ लाइक टू द वीडियो, ताकि मुझे भी कुछ थोड़ी सी फीडबैक मिलती जाए। ओके, एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक, एनी वे दैट आई कैन मेक द लेक्चर बेटर, तो प्लीज़ डू गिव दैट। आई नो कि थोड़ा सा इशू है लाइट का और बोर्ड का, क्योंकि दिस इज स्मॉलर इन साइज, तो वी आई वुड बी ट्राइंग टू सॉल्व दैट, मगर अनटिल देन इससे गुजारा करना पड़ेगा हमें। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? वेटिंग फॉर क्वेश्चंस। असाइनमेंट इसकी एक ही दिन, बल्कि दिस इज योर होमवर्क, इसके नोट्स बना के तो व्हाट्सएप करते जाए मुझे सुबह तक, कल सुबह तक आपको ये मुझे ग्रेन्स रे थेरेपी पे, चाहे अपने रजिस्टर्स पे बनाएं, मगर आई वॉन्ट अ कंप्लीट एटलीस्ट 1 to 1.5 पेज। चैप्टर नंबर 4 है ये आपकी किताब जो मेडिकल फिजिक्स की बुक है, ठीक है, हांस द फिजिक्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी जो आपकी बुक है, जिसके नोट्स आपको दिए हुए हैं
उसी का चैप्टर नंबर 4 से करवा रही हूँ। लाइक कर दें वीडियो को लड़कियों, क्लियर? ठीक है जी, ओके जी, लाफिज। अगर कोई सवाल है तो अभी यहाँ कमेंट्स में बता दें, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल भेजते जाएं। असाइनमेंट वुड बी टेकन टुमारो, याद से बल्कि 1 से 1.5 पेज तो होना चाहिए, ताकि अगर आपको पेपर में आए तो एटलीस्ट कुछ लिखने के काबिल दो आप लोगों। ओके जी, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।